और अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं खास तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई हैं। पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। आज सुबह जब पीएम मोदी सूरत में अस्पताल के उद्घाटन के लिए जा रहे थे तो सड़क के किनारे लोगों की भीड़ जमा थी और उसी भीड़ से निकलकर एक छोटी सी बच्ची पीएम मोदी की गाड़ी के पास आ गई। वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छोटी सी बच्ची पीएम मोदी की गाड़ी के पास आई। पीएम को देखने के लिए पहले ही भीड़ जमा थी और सुरक्षा बलों ने बच्ची को किनारे करने की कोशिश की। ये देखिए जबरदस्त भीड़ लोगों की और उस बीच में से निकलकर आई एक छोटी सी बच्ची जो पीएम मोदी की गाड़ी के करीब जाना चाह रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री की नजर उस बच्ची पर पड़ चुकी थी और उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई और उसके बाद इस बच्ची को अपने पास बुलाया। ये देखिए यही वो छोटी सी बच्ची है जो दौड़कर पीएम मोदी की गाड़ी के पास आना चाह रही थी। सुरक्षा बलों ने सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन पीएम की नजर बच्ची पर पड़ चुकी थी। ब्रिजेश कुमार सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश बताइए क्या है ये पूरा वाक्या? देखिए ये घटना आज सुबह हुई जब प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह सुबह किरण हॉस्पिटल जो कि पाटीदार ट्रस्ट की तरफ से बनाया गया है 500 करोड़ रुपए की लागत से उसके उद्घाटन के लिए जा रहे थे। तो ऐसे में रास्ते में जो सो कतारगाम इलाके में ही धनवंतरी चौक नाम की जगह आती है जहां पर की बड़ी तादाद में लोग चारों तरफ खड़े थे प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। और ऐसे में जब वह बच्ची जो कि भी अपने पिता के साथ वहां खड़ी थी जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला वहां से गुजर रहा था तो वह बच्ची जब प्रधानमंत्री ने देखा कि काफी बड़ी तादाद में लोग रुके हुए वहां तो उन्होंने अपनी गाड़ी धीमी करवाई। इस दौरान वो बच्ची जो है दौड़ कर आगे बढ़ी। महज 4 साल की बच्ची है जिसका नाम नैन्सी गोंडलिया है। जब वो आगे बढ़ी तो एसपीजी के जवान जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं उन्होंने तुरंत बच्ची को आने से रोका, लेकिन तब तक प्रधानमंत्री मोदी की निगाह उस बच्ची पर पड़ चुकी थी। तो ऐसे में जो है उन्होंने उस बच्ची को सामने अपनी तरफ आने का इशारा किया और उसके लिए कहा भी और ऐसे में उसको अपने पास बुलाकर उससे मिले। नैन्सी गोंडलिया जो है महज 4 वर्ष की बच्ची है, सूरत के बेडरोड इलाके में रहती है। इसके पिता जो है प्रकाश गोंडलिया वह जो है वह सूरत की डायमंड फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ऐसे में आज का जो नजारा हुआ वो ऐसा नजारा था जो कि लोग बहुत लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं यह प्रधानमंत्री मोदी की जो ये विशेष अदा है क्योंकि समय समय पर इसका मुजाहरा देखने को मिलता है कि ऐसे मैसेज जो है आप ध्यान दें कि एक छोटी सी बच्ची आगे की तरफ बढ़ रही है, सुरक्षाकर्मी जो है रोक रहे हैं और ऐसे में जब प्रधानमंत्री की निगाह पड़ती है और वो सामने से बुला के मिलते हैं जाहिर है न सिर्फ ये उस बच्ची के लिए बल्कि उसके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सूरत के लोगों के लिए यह एक अद्भुत नजारा बन गया जो कि उसको देख रहे थे उस पूरी घटना को अपने सामने। और जाहिर है इसकी चर्चा जो है आने वाले लंबे समय तक होती रहेगी, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी की जो ये अदा है उसकी बात होती रहेगी। जी ब्रिजेश आप बने रहे हमारे साथ। ये वाकई में एक अद्भुत नजारा है जो हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये देखिए किस तरह एक छोटी सी बच्ची पीएम मोदी से मिलने के लिए उनकी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। सुरक्षा घेरे ने उसे रोका लेकिन पीएम की नजर उस बच्ची पर पड़ चुकी थी। 4 साल की ये छोटी सी बच्ची भीड़ में से निकलकर पीएम की गाड़ी की तरफ दौड़ती है। सुरक्षा कर्मी उसे रोकते हैं लेकिन पीएम की नजर उस पर पड़ चुकी थी और उस बच्ची को अपने पास बुला लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बच्ची का नाम नैन्सी गोंडलिया है और उसके पिता हीरा तराशने की फैक्ट्री में काम करते हैं और 4 साल इस बच्ची की उम्र है। छोटी सी ये बच्ची पीएम को देखने के लिए दौड़ पड़ी उनकी तरफ। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोका। पीएम के इर्द गिर्द एसपीजी का सुरक्षा घेरा रहता है लेकिन पीएम की नजर बच्ची पर पड़ चुकी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उस बच्ची को अपने पास बुला लिया। वाकई में अद्भुत नजारा उन सभी लोगों के लिए जो वहां पीएम की एक झलक पाने के लिए खड़े थे। किस तरह पीएम ने छोटी सी बच्ची को अपने पास बुला लिया। 4 साल इसकी उम्र है, नैन्सी गोंडलिया इस बच्ची का नाम। पिता हीरा तराशने की फैक्ट्री में काम करते हैं। सूरत की तस्वीर हमने आपको दिखाई। एक छोटी सी बच्ची नैन्सी गोंडलिया इसका नाम है, 4 साल इसकी उम्र है। पीएम को देखने के लिए उनकी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की ये देखिए और प्रधानमंत्री मोदी ने उसे अपने पास बुला लिया। ये बच्ची उस भीड़ में मौजूद थी जो प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए वहां पहुंचे थे।
जी ब्रिजेश, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। ब्रिजेश, पहले भी हमने देखा है प्रधानमंत्री किस तरह छोटे बच्चों की तरफ खींचे चले आते हैं और या फिर उन्हें अपने पास बुला लेते हैं, इस बार भी कुछ ऐसे ही हुआ, तो क्या बच्चों से कुछ खास लगाव है प्रधानमंत्री का? निश्चित तौर पर, और इसका समय समय पर जो है प्रदर्शन वो करते रहे। अगर आपको ध्यान होगा, जब वो जापान की यात्रा पर गए थे तो वहां पर क्योटो के एक पार्क में एक बच्चा जो कि उनके करीब से गुजरा, उस बच्चे को उन्होंने न सिर्फ उठाया बल्कि उसके दोनों का खींच के जो सो प्यार में दर्शाया था। और वह तस्वीर न सिर्फ जापान में, न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बच्चे का जो है मनोहार किया, उसके साथ प्रेम किया। इस तरह की तस्वीरें जो है सो समय समय पर आती रहती है। ब्रिजेश, आपको रोकना चाहेंगे यही, जिस बच्ची को पीएम ने अपने पास बुलाया, नैंसी गोंदालिया उससे बात की है एबीपी न्यूज ने, आइए सुनते हैं। आप कितने खुश नजर आ रहे हो, आप बताइए, आपकी बेटी नैंसी गोंडालिया पीएम मोदी से मिली थी, क्या कहना चाहते हो? मैं तो वही कहना चाह रहा हूँ, जो मिली वो अच्छा है मेरे लिए, मैं बहुत खुश हूँ, भाग्य मेरा नसीब है और मेरे नसीब पे लड़के के नसीब में होगा कुछ, उसी लिए तो आज मेरे को खुश हुआ आज कि इतने पत्रकार सब लोग आज आए चैनल लेकर शूटिंग लेने के लिए। मेरे को कितने समय से राह देख रहे थे आप पीएम मोदी का? अभी तो एक हफ्ते से दार दिख रहा था, क्योंकि मेरे ऑफिस के पास सब सड़क बन रहा था, चुखा हो रहा था, तो मेरे को भी मालूम था कि मिलने का है मोदी साहब को, इधर से निकलेगा। सुबह से 7 बजे उठ गया था, नाना खाया पिया कुछ, तुमको चलो अब जाने का है। नैंसी क्या बोल रही थी आपको? मेरे को दादा को मिलने का है, मोदी दादा को मिलने का है, वही बस। और सिटी लाइट रोड पे हम घूमने के शनिवार के दिन देखने के लिए गए थे लाइट, वो फोटो सब दिखाया हमने, सर्किट हाउस भी गए थे हम लोग। सर्किट हाउस में तो हम 2-3 बार रियल में लाइव में भी गए हैं, हम लोग वहाँ जाके भी आए हैं, और हमने देखा था सर्किट, उसने नहीं देखा था मेरी घरवाली ने, तो मेरे को जरा सर्किट हाउस मैंने देखा है, वहाँ लाइटिंग भी देखा, फोटो भी पाड़ा, सब पाड़ा मैंने। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बच्ची को बुला रहे थे, बीजेपी के पार्षद यहाँ पर मौजूद थे, आप बेटी से पूछेंगे कि क्या पूछा था बेटी को, क्या पूछा गया? बेटी, ये बच्ची आ छोकरी ने, ये लड़की को मोदी साहब ने पूछा कि ये इसका जो ये घड़ियाल पहना है तो ये क्या पहना है, ऐसा पूछा, और नाम पूछा, और प्यार से बहुत उसने हाथ उसके ऊपर हाथ आशीर्वाद दिया, हाथ लगाया, ऐसा सब प्यार से बहुत पूछा, और ऐसे गाल से पप्पी भी लिया। बेटी से नैंसी से पूछेंगे, आपको आप बताइए किस तरह से क्या पूछा था आपको? मोदी दादा शू पूछो बेटा, नाम शू, पसी शू पूछो, घड़ियाल। इस प्रकार से नैंसी बोल रही है, 4 साल की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको पूछा था कि उनका नाम क्या है, और उनके हाथ में जो घड़ी पहनी है उनका उससे भी पूछताछ की थी। परिवार भी खुश है, यहाँ पर आसपास के पड़ोसी यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयत्न करेंगे। आप बताइए कितने खुश हो? हम तो बहुत खुश है, उसके पप्पा ने आके बोला कि हम नरेंद्र मोदी से मिल के आए, तो हम तो बहुत खुश है कि हमारा अपार्टमेंट में कोई किसी लड़की ने अपना नाम तो उज्जवल किया है, इतना खुश। आप बताइए कितने खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ कि अभी अपार्टमेंट का नाम हुआ है, बच्ची का नाम हो गया, पेरेंट्स का नाम हो गया, इसलिए हम बहुत खुश हैं आज। हम भी बहुत खुश है कि सोमनाथ अपार्टमेंट में ये बहुत अच्छी लड़की है कि मोदी दादा का नाम लिया और उसकी मुलाकात हो गई। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से नैंसी गोंडालिया है यहाँ पर आई हुई थी, एक सपना साकार हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलने के लिए। नैंसी गोंडालिया बार बार परिवारों को कहती थी कि दादा को मिलना है, लेकिन आज संजोग ऐसा आया है कि मोदी दादा ने सामने से नैंसी गोंडालिया को बुलवाया है, उनके साथ खेला है, बच्ची को नाम पूछा गया, उसने जो घड़ी पहनी थी वह भी पूछा गया। हालांकि परिवारजनों में काफ़ी खुशी का माहौल है और आस पड़ोस में भी खुशी का माहौल आ चुका है। कैमरामैन राकेश पानवाला के साथ धनराज बागले, एबीपी न्यूज, सूरत। तो सूरत की बच्ची नैंसी गोंदालिया के परिवार को आप सुन रहे थे, जो बेहद खुश हैं इस बात से कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बच्ची को अपने पास बुलाया, आशीर्वाद दिया। छोटी सी नैंसी को भी आपने सुना, प्रधानमंत्री ने नैंसी से उसकी फैंसी सी घड़ी के बारे में पूछा और उसे आशीर्वाद दिया, नैंसी का नाम पूछा, और नैंसी के परिवार वाले सुबह से ही आपको बता दें कि पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे, तभी नैंसी पीएम मोदी की गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी, सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की लेकिन पीएम की नज़र पड़ चुकी थी, पीएम ने उसे अपने पास बुलाया, उससे बात की और उसे आशीर्वाद भी दिया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।